सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी अपने धातु रोग से परेशान हैं? आपको भी बहुत ज़्यादा धात आ रही है? तो इस वीडियो में आपको मैं दो नुस्खे बताने वाला हूँ जो कि दोनों बहुत ही पावरफुल हैं और एक तो 3 दिन में ही आपकी हमेशा के लिए धात को ख़त्म कर देगा और एक जो है वो 7 दिन के अंदर ही आपकी धात को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये बहुत ही आजमाए हुए नुस्खे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको कितनी भी पुरानी धात आती हो, यहाँ तक कि 20 साल पुरानी भी आपको धात आती है, तो इस नुस्खे के बाद वो कभी आपको धात नहीं आएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरी आपसे गारंटी है कि आपको लाइफ में कभी भी धात नहीं आएगी। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज के टाइम में आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में कितना मामला ऐसा हो चुका है, बहुत ज़्यादा धात आने लगी है लोगों को, और आज के टाइम में बड़ों को ही नहीं, जो कम उम्र के हैं उनको भी बहुत ज़्यादा धात आने लगी है, क्योंकि कम उम्र में ही गलत काम स्टार्ट कर देते हैं, जो कि वीर्य बहुत ज़्यादा पतला होने की वजह से हमको धात आना शुरू हो जाती है, चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है, नाइट फॉल पे नाइट फॉल होते रहते हैं। तो ऐसे में आप बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाते हैं, हालांकि उन दवाइयों से कुछ भी नहीं होता, और भी आपका कभी कभी ऐसी उल्टी सीधी दवाइयाँ खाने से प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो इस नुस्खे में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल ये नुस्खा है। अगर आप इसको 2 दिन 3 दिन भी कर लेते हैं तो आपका जो पानी गिर रहा है वो बंद हो जाएगा, आपका धात आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये जो नुस्खा है ये बहुत ही जानदार नुस्खा है, मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको छोटी इलायची लेना है, 10 ग्राम आपको छोटी इलायची, जो कि आप कहीं से भी उसको दुकान से खरीद सकते हैं, आपको 10 ग्राम सफ़ेद इलायची यानी छोटी इलायची खरीद लेना है। और दोस्तों, उसका क्या करना है, आपको उसको थोड़ा बारीक बारीक उसको सिल पे या जहाँ भी आप उसको पीस सकते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको कूट कर बारीक कर लीजिएगा, और उसे 1 गिलास पानी में डाल लीजिएगा। उसे 1 गिलास पानी में डालने के बाद में आपको 15 तुलसी के पत्ते चाहिए होंगे दोस्तों, 15 तुलसी के पत्ते और 10 ग्राम सफ़ेद इलायची कुटे हुए आप 1 गिलास पानी में डाल दीजिएगा और उसको रात को रख दीजिएगा। उसको रात को रखने के बाद में सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले आप उस गिलास के पानी को पी लीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं खाना है दोस्तों, बस उस गिलास के पानी को पी लीजिएगा। अगर आप ऐसा 8 दिन भी कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका कितना भी पुराना धात क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है कि ये नुस्खा जो है वो 100% वर्क करेगा आपकी बॉडी में। और दूसरा जो नुस्खा है वो भी बहुत जानदार है दोस्तों, वो 3 दिन में ही आपकी धात को बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, जो कि बहुत ही शानदार नुस्खा है। तो दोस्तों, दूसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं। दूसरा नुस्खा ये है दोस्तों, आपको शीशम के पत्ते लेना है, आपको 10 से 15 शीशम के पत्ते लेना है। शीशम जो होता है वो जंगलों में पाया जाता है, आप गाँव में रहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप गाँव में नहीं रहते हैं तो आप किसी से मंगवा सकते हैं। तो आपको शीशम के पत्ते लेना है 10 से 15, और दोस्तों उनको भी आपको पीस लेना है, उनको भी आपको पीस लेना है। पीस के दोस्तों आपको 1 गिलास पानी में उनको मिला लेना है, 10 से 15 शीशम के पत्ते आपको 1 गिलास पानी में मिलाकर आपको पी लेना है सुबह नहार मुँह, उसको भी सुबह ही लेना है। और उसको पीने के बाद में 10 से 15 मिनट आप कुछ भी ना खाएं, ये दोनों नुस्खे के बाद में आप 10 से 15 मिनट पानी पीने के बाद में कुछ भी ना खाएं दोस्तों। ये नुस्खे ऐसे हैं कि आपके धात जो है अगर 20 साल पुरानी भी है तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, 20 से क्या 50 साल भी पुरानी है तो कभी आपको लाइफ में कभी धात नहीं आएगी। ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, ये बहुत ही शानदार नुस्खा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।